हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सूरज और आज मैं ये दिखाने वाला हूँ कि मैंने जेमिनी का मीटियर शावर कैसे कैप्चर किया था। एक्चुअली जेमिनी मीटियर शावर कैप्चर करने के लिए अपने के लिए दो मेन चीज़ चाहिए। एक तो अपना फ़ोन जो मेन है, जिसमें जी कैम का अच्छा सपोर्ट हो। नो, मैनुअल मोड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन बोलते हैं ना जी कैम से जो क्वालिटी आता है वो मैनुअल मोड से नहीं आता। दूसरी बात जो मेन है वो स्टेबल रखने के लिए अपना ट्राईपॉड। जो मेरे पास ट्राईपॉड है वो सस्ता वाला 350 का, ये वाला। एंड देन मेरे पास जो फ़ोन है वो नोट 7 प्रो है। एक बार आपको दिखा देता हूँ, फोकस कर रहा होगा शायद से। नोट 7 प्रो है और इसमें भी जी जो जी कैम यूज़ करने वाला वो RNY है, जिसमें मैं एंड्रोमेडा भी उसमें शूट किया था शायद से। मैंने वो भी वीडियो डाला है इंस्टाग्राम पर, आप देख सकते हो। सो अभी देखते हैं, अभी क्लाउड्स भी है थोड़ा, तो देखते हैं होता है कि नहीं, होना तो चाहिए। चलो मिनट्स का मीटियर शावर ट्रैक करने के लिए पहले तो स्टार ट्रैकर यूज़ करना पड़ता है। तो ये देखो मैंने सेट कर लिया, इधर जेमिनिट्स का मीटियर शावर हो रहा है, मतलब ये जेमिनिट है वो कॉन्स्टलेशन। उसके बाद अभी मैं जी कैम बताता हूँ मैं कौन सा यूज़ करने वाला हूँ। ये मैं RNY का ही यूज़ करने वाला हूँ जी कैम। मैं दिखा देता हूँ एक बार, ये देखो RNY का मतलब नाम नहीं लिखा रहता, जी कैम मोड 7.3 रहता है। अभी इसमें सेटिंग कैसे करवाते दिखाता हूँ। एक तो नाइट साइड में जाने का, नाइट साइड में जाने के बाद एस्ट्रो टाइम रहता है वो ऑटो पर रखने का, एंड डीले 3 सेकेंड्स, और जो अपना फोकस है वो इन्फिनिटी रहना चाहिए बस। ये मैं अभी दिखा देता हूँ, लेकिन बहुत टाइम लग गया तो उससे अच्छा मैं रहने देता हूँ। दूसरा अभी मैनुअल मोड से करेंगे। मैनुअल मोड से प्रो मोड में जाके इसका जो ISO अपना शटर स्पीड है वो 32 सेकंड्स पर रख देना, और ISO है वो 1600 तक रख देना, और जो डीले है वो 3 सेकंड्स। लेकिन डीले तभी ऑन करना जब आप हाथ से ऑन करते रहोगे, क्योंकि जो वाइब्रेशंस रहते हैं वो इमेजेस में भी आएगा। और आपको समझो ऑटोमेटिक क्लिक करने का है तो एक ऐप बताता हूँ, ये ऑटो क्लिकर करके। ऑटो क्लिकर से क्या होता है, अभी ये एक्सेस करना पड़ेगा, रुको एक मिनट, एक्सेस हो गया, इसको एनेबल करेंगे। अभी इसको कैसे यूज़ करके दिखाता हूँ। ये रहा मैनुअल मोड, उसमें ये जो शटर का ब्लू बटन है ना वो उधर जो शटर के ऊपर रख देने का, और समझो अभी 32 सेकंड्स है तो 2 सेकंड के बाद का सेकंड्स रखने का इधर, मतलब इधर 32-34 रखने का, सेव करने का, देन ऑन कर देने का। हो गया सिंपल, शटर चालू, फिर वो ऑटोमेटिकली खुद से ही शटर लेना शुरू कर देगा और ऑटोमेटिकली क्लिक करता रहेगा फोटो। सो अभी टाइम लैप्स एंजॉय करो। साथ आ रहे क्रॉस ओवरलैप हो रहा है, ऐसा मीटियोर मिला मेरे को। एक मिनट दिखाता हूँ, रिजल्ट्स दिखाता हूँ। ये देखो ये वाला, ये जो है ना ओवरलैप हो रहा है, देखो एक के ऊपर मतलब क्रॉस हो रहा है। ये कितने बजे शूट किया है पता है, मैं टाइम भी देखता हूँ। टाइम भी देखो, अभी टाइम हो रहा है 1:39, मतलब 1:40। अभी ये क्लिक किया था मैंने, आई थिंक 1 बजे क्लिक किया था। चलो कुछ तो यूज़ हुआ, जल्दी उठेगा, मतलब जल्दी नहीं उठा था, सोया ही नहीं था। अभी जाके सोऊंगा, एक पिक टक एडिट करूँगा थोड़ा और फिर सो जाएगा। बाय।